वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी भी ऑफेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, किसी भी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, और सडनली होता क्या है कि पुलिस आपके दरवाजे पर आ जाती है और आपको गिरफ्तार करने लगती है। उस स्थिति में पुलिस से कुछ आप बातचीत कर सकते हैं, या फिर आपको उठा के अगर थाने ले जाती है तो उसके बाद भी आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त रूप से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि किसी भी ऑफेंस के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, अर्थात किसी भी घटना में आपकी लिप्तता नहीं होते हुए भी आपके दरवाजे पर पुलिस ने दस्तक दिया और आपको गिरफ्तार करने के लिए वो तत्पर हैं, तो आप कुछ कुछ सवाल उनसे बहुत अच्छे तरह से पूछ सकते हैं और जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो भी आपको सेटिस्फाइड करेंगे, आई होप। सबसे पहला बात है कि आप किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, मेरा क्या जुर्म है, ठीक है, क्या मेरे ऊपर आपको गिरफ्तारी वारंट है, वारंट है तो दिखाया जाए। उसके बावजूद भी अगर आपको चलने के लिए विवश किया जा रहा है तो आप अपने वकील से बात करने का परमिशन आप उनसे ले सकते हैं। दूसरा, आप मेडिकल का भी जो है डिमांड कर सकते हैं कि आप जो है थाने में बैठाने से पहले हमको मेरा शरीर का जो है मेडिकल कर दीजिए और उसके बाद आप थाने में ले जाइए। और मेरे मनपसंद का जो वकील होगा उनसे बात करना है हमको, और बात करवाने का जो जिम्मा होगा वो पुलिस ऑफिसर का होगा और वो बात करवाएंगे, निश्चित रूप से बात करवाएंगे। और जब आपकी एक बार वकील साहब से बात हो जाएगी तो फिर आगे क्या करना है वो रास्ता आपका खुल जाएगा, ठीक है। छोटा सा क्लिप था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।